बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू बे के काम में करेंगे इसमें ज़ात। इसमें ज़ात, इससे इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन, तारीफ़ के बारे में जानेंगे कि इसमें ज़ात होता क्या है। इसमें ज़ात है जिसमें किसी एक चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ से हम अलग करके समझ सकते हों, इसमें ज़ात कहलाती है। इसके बाद हम करेंगे इसमें ज़ात की इकसाम कितनी है। इसमें ज़ात की इकसाम 5 है। इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सौत। इसमें मुसग्गर छोटी चीज़ के बारे में बयान होता है, छोटे जिसमें छोटे होने के मायने पाए जाएँ, ठीक है। इसमें मुसग्गर जैसे डिब्बा से डिबिया। मुकब्बिर, मुकब्बिर किसे कहते हैं, वो इसम जिसमें किसी शख्स या जगह के बड़े होने के मायने पाए जाएँ। जैसे बात है, छोटी चीज़ क्या है, बात होगी, और जब वो बढ़ जाएगी झगड़ा या किसी और मौजू पर चली जाएगी तो उसका बात का बतंगड़ बन जाएगा। तीसरी किस्म है इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ में जो है मज़ीद दो इकसाम है, इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें ज़र्फ़ ज़मा। इसमें ज़र्फ़ मकान जो है वो किसी जगह या मुकाम को ज़ाहिर करता है, जैसे डाकखाना जगह है, चिड़ियाघर एक जगह है, ठीक है। इसमें ज़र्फ़ ज़मा, ज़मा जो है जैसे कि ज़ाहिर है किसी वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करे, ठीक है, किसी वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करे, जैसे दिन वक्त है, रात वक्त है। उसके बाद चौथी किस्म पर आते हैं इसमें आला। इसमें आला किसी भी आले से, यानी कि जिसमें किसी आले के बारे में ज़ाहिर हो, किसी औजार किसी हथियार की बात की गई हो, जैसे आरी, चाकू, हथौड़ा, इस तरह से, मतलब ये आले का हम एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे। इसमें सौत में आता है सौत। सौत कहते हैं आवाज़ को, तो जैसे किसी भी जानदार और बेजान की आवाज़ को क्या कहेंगे, इसमें सौत। तो इसमें इंसानों की आवाज़ भी आ सकती है और किसी जानदार या बेजान की आवाज़, जैसे गुड़गुड़ूंग गुड़ूंग, तो यह है कबूतर की आवाज़, सांप की आवाज़, उसके अलावा कबूतर की आवाज़, मुख्तलिफ जानदार और बेजान चीज़ों की आवाज़ें शामिल हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंटेशन के साथ काम करना है, पहले यहाँ पे ऐसे इस मौजू का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम और मज़ीद ऐसे टेबल बनाकर इसमें जब जो तीसरी एग्ज़ाम है उसको ऐसे ब्रीफली डिफ़ाइन करना है, यानी कि उसकी मज़ीद दो एग्ज़ाम के बारे में लिखना है, ठीक है। और फिर हम फर्दर इनको थोड़ा थोड़ा मतलब समझाने के लिए, आपके सहूलत के लिए इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। आपने भी सेम ऐसे ही काम करना है अच्छे तरीके से और याद करना है। उम्मीद है आप सबको इस काम की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इस काम को याद करें और अच्छे तरीके से लिखें भी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।